सर दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही चैनल पे। तो उसका रीज़न, मेन सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे अभी कुछ कार्यक्रम चल रहे थे पिछले दिनों, तो उनमें जाने की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाया यूट्यूब के लिए। और बाकी बीच में थोड़ा तबीयत का भी इश्यू हो गया था, लेकिन हाल फिलहाल सब ठीक है। तो आप लोग ये नहीं सोचें कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे, अभी वीडियो बनाना बंद कर दिया है या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा समय की कमी थी, उस कारण से मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक दमदार वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हर बार करता हूँ, मैं आपको इस वीडियो का टॉपिक बता देता हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कीबोर्ड के साथ जो हम लोग स्टैंड यूज करते हैं, जो केबल यूज करते हैं और जो पैडल यूज़ करते हैं, सस्टेन पैडल, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि शुरू में जब मैं कीबोर्ड लेके आया था, तो मेरे पास खाली कीबोर्ड था और कुछ नहीं था, एक केबल ऐसा कुछ ये मेरे को मिल गया था वहीं पे ही, जहाँ से मैंने कीबोर्ड लिया था, और वहीं से मुझे एक केबल भी मिल गया था। लेकिन उसके बाद भी देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने को कीबोर्ड के साथ यूज़ करनी पड़ती हैं। उन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों उनको यूज किया जाता है और किस प्रकार उनका यूज किया जाता है, उन सभी की आप इस वीडियो में देखेंगे चर्चा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये ऐसा कुछ आपने देखा होगा, बहुत लोग तो जानते भी होंगे, और जो नहीं जानता उनको मैं बता देता हूँ। इसको सस्टेन पैडल बोला जाता है या पैडल भी बोला जाता है आम भाषा में, और ये अपने कीबोर्ड के साथ यूज किया जाता है, और एक पैड जो होता है उस इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज किया जाता है। बाकी गिटार वगैरह अदर जो इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ भी यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इसको इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये स्टेंजर कंपनी का है मेरे पास, आपको मैं बिल्कुल पास से भी दिखाऊंगा, एक बार समझ लीजिए आप। ये स्टेंजर कंपनी का है और ये बहुत सारी कंपनी के आते हैं और अलग अलग रेट के हिसाब से भी आते हैं और अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आती है। सबसे पहले मैं आपको क्वालिटी बता देता हूँ, इसमें दो क्वालिटी होती है। एक तो देखिए जिनमें सेल लगता है और एक जिनमें जो है सेल नहीं लगता। सेल का मतलब बैटरी जो होता है, ऐसा टाइप करके बैटरी लगाया जाता है इनमें। तो एक तो जो सेल वाला होता है, एक होता है विदाउट सेल वाला। तो देखिए, सेल वाला जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, विदाउट सेल वाला थोड़ा कम कॉस्टली पड़ता है। तो ये स्टेंजर कंपनी का कीबोर्ड पैडल है, ये मैं 800 रुपये में लेके आया हूँ और जयपुर जाके मेरे को ये मिला है। मेरे यहाँ सीकर नोकल में ये नहीं मिलता, तो कल परसों मैं जयपुर गया था तो मैं लेके आया था। ये सस्टेन पैडल बोला जाता है। अब देखिए, इसका काम होता है आवाज़ को कंट्रोल करना, यानी यहाँ से ये इस साइड में रहेगा तो आवाज कम होती है, और जैसे जैसे इसको आगे की साइड दबाते हैं तो ये आवाज ज्यादा करता है, और यहाँ पे जब ये पूरा टच हो जाता है तो अपनी फुल वॉल्यूम होती है। इसको हम कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम लोग एक हाथ अपना यहाँ कोड पे रख सके, दूसरा ये रख सके। खाली इसका यही पर्पज नहीं है कि हम लोग हाथ को फ्री करने के लिए ये पैडल लगाएं, इसका पर्पज ये होता है कि जो साउंड की क्लियरिटी होती है वो पैडल में जो होती है वो ओरिजिनल क्वालिटी जो होती है साउंड की वो आती है। बीच में कोई जो साउंड नॉइज आता है, जो ची ची का कुछ साउंड आता है, वो बिल्कुल भी नहीं आता। एक तरीके से नॉइज को रिड्यूस भी करता है। सबसे मेन रीजन इसलिए इसको यूज किया जाता है कि इसे लगाने के बाद कोई एक्स्ट्रा आवाज नहीं आती, और डायरेक्ट एक अच्छा इसमें एक ऐसा ही सिस्टम होता है कि एक्स्ट्रा जो साउंड होता है वो उसको यहीं पे रोकता है, डायरेक्टली वहां पे नहीं भेजता। और मिक्सर से भी जो अपने को इनपुट आता है वो सारा कुछ जाके यहीं पे कंट्रोल होता है, डायरेक्ट अपने कीबोर्ड में नहीं आता। तो इसके लिए इसको यूज किया जाता है। जो लोग नए हैं, जो इस चीज के बारे में नहीं जानता, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप 800-900 रुपये का कुछ खर्चा करके ये पैडल ले आइए और यूज कीजिए। इसका धीरे धीरे आप लोग हैबिचुअल यूज करेंगे तो आपको आदतीन हो जाएगा पैडल लगाने का। अब देखिए, बड़े जो लाइव प्रोग्राम होते हैं उनमें हम लोग स्टैंड लगा के बात करते बैठते हैं, तो स्टैंड भी मैं एक लेके आया हूँ, वो डॉल्फिन कंपनी का है। मेरे को 1100 रुपये का स्टैंड पड़ा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर आपको देखिए थोड़ा समझ में आता है तो मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा कुछ स्टैंड आता है, ये मेरे को 1300 रुपये का स्टैंड पड़ा था।
अभी चलिए मैं दोनों चीजों को एकदम बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ। और पैडल के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप हमेशा सेल वाला पैडल लेके आए, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, मैंने यूज नहीं किया है कि सेल वाला पैडल ही बेटर क्यों होता है, लेकिन जिन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया सबने एक ही बात बोली कि आप स्टेंजर कंपनी का लेके आइए और सेल वाला पैडल लेके आइए। स्टैंड मैं अपनी मर्जी से लेके आया था, स्टैंड दो तीन प्रकार के होते हैं, जो मेरे को अच्छा लगा वो मैं ले आया था। अब देखिए मैं पहले आपको इसका बता देता हूँ इसको कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद में हम लोग स्टैंड की बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चलिए मैं आपको बैक वाले कैमरे से दिखाता हूँ इसको। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें चार चैनल दिए हुए हैं, दो इनपुट के दो आउटपुट के, और इस पर राइट मोनो लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है, फिर लेफ्ट लिखा हुआ है। अब देखिए इसको दो तरीके से लगाया जाता है। पहला तो है कि आप सिंगल वायर का यूज़ करते हैं, यानी सिंगल लीड का यूज़ करते हैं। अगर आप एक ही लीड लगाना चाहते हैं तो आप एक लीड इसमें लगाइए, जो आउटपुट है इसमें अपना एक लीड लगाइए, और इस लीड को यहाँ से भेज दीजिए, आप मशीन में भेज दीजिए या फिर मिक्सर में भेज दीजिए, जो भी आपके पास प्रोग्राम में अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसा कि मेरे पास ये आउटपुट है, ये मैं इसमें लगा रहा हूँ। ये आउटपुट लगाने के बाद में ये वाला आउटपुट अपने कीबोर्ड में नहीं लगाना, ये वाला आउटपुट डायरेक्ट वहाँ मशीन जो लगा हुआ है मेरा उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर जा रहा है ये वाला आउटपुट। दूसरा आउटपुट हमें दो छोटे छोटे आउटपुट चाहिए होंगे। अगर आप एक आउटपुट यूज़ करते हैं तो सिंगल के लिए आप फिर इसको छोड़ देंगे यहाँ से और इसको यूज़ करेंगे, इसमें एक आउटपुट लगा दीजिए आप, ठीक है, इनपुट लगा दीजिए सॉरी, और इसका ये वाला साइड वाला अपने कीबोर्ड में डाल दीजिए, ठीक है। ये वाला तो अपने को मिक्सर या मशीन में जहाँ भी डालना है वहाँ डाल दीजिए, ये वाला अपने कीबोर्ड में लगा दीजिए। कीबोर्ड में जो है यहाँ पे आप देखेंगे कीबोर्ड में यहाँ जो मोनो लिखा हुआ है आउटपुट, इसमें लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये काम करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कीबोर्ड को ऑन करता हूँ। माफ़ करना दोस्तों अगर कैमरा बार बार हिल रहा है, तो क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि मैं इसको स्टेबल कर सकूं, मैंने एक हाथ से पकड़ रखा है, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए अभी आवाज़ आ रहा होगा आपके पास कुछ, अभी देखिए आवाज़ आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। और देखिए इधर पैडल ये ऊपर की साइड है, अभी इसको धीरे धीरे मैं नीचे की साइड दबाऊंगा तो आवाज़ बढ़ जाएगा यहाँ, और इसको मैं कम करूंगा तो आवाज़ कम हो जाएगा यहाँ। अब इसको वॉल्यूम नॉब को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको एक जगह फिक्स करना है, जितनी उतना हमें फिक्स कर लेना है कि उतनी आवाज़ इसको पूरे दबाने पे अपने को फुल साउंड आ जाए, इतना इसको फिक्स कर लेना है, बाकी इसको एक जगह सेट करना है। बाकी इससे ईजी ये हो जाएगा कि आप इसको पैरों में भी रख सकते हैं, यहाँ नीचे पैरों पर भी, पैरों से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हाथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई पैडल की बात। अगर सिंगल सिंगल चैनल लगाते हैं तो हम लोग ये वाला आउटपुट इसमें लगा के मशीन में चला जाएगा, ये वाला अपने कीबोर्ड में चला जाएगा। अब अगर हम दो दो केबल लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग आउटपुट का जो दोनों लेफ्ट राइट है वो दोनों लगा के मिक्सर में भेज देंगे, ठीक है, ये वाला दोनों, और ये वाला जो दोनों है वो अपने कीबोर्ड में चला जाएगा। कीबोर्ड में एक तो जहाँ मैंने राइट में लगा रखा वहाँ, एक देखिए आप यहाँ जो लिखा हुआ होगा कीबोर्ड पे, राइट में और लेफ्ट में, ठीक है, एक राइट में लगाना है, एक लेफ्ट में लगाना है, और वो दोनों यहाँ पे लगाना है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर सिंगल सिंगल लगाना है तो इसमें एक लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे और फिर इसमें कीबोर्ड लगा देंगे, ये वाला आउटपुट में चल जाएगा, ये कीबोर्ड में चला जाएगा। डबल डबल हम लोग लगाते हैं तो इसमें दोनों आउटपुट लगा देना है, दोनों इसमें इनपुट लगा देना है, इनपुट मतलब अपना कीबोर्ड, आउटपुट मतलब मशीन या मिक्सर जो भी मान लीजिए वहाँ भेज देना है, ठीक है। और ये स्टेंजर कंपनी का कीबोर्ड पैडल है, देखिए यहाँ पे स्टेंजर लिखा हुआ है, और बैटरी वाला पैडल है, ये बैटरी डलता है इसमें, और एक बैटरी जो ये पेयर मान के चलिए 8 से 10 प्रोग्राम में ख़त्म हो जाता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं साफ साफ, नॉइज़ फ्री स्टेरियो वॉल्यूम पैडल, ठीक है, ये नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए काम में आता है, कम ज़्यादा करने को भी काम में आता है, और जो एक्स्ट्रा साउंड होता है उसको ये
हटा देता है, एक्स्ट्रा साउंड नहीं आता इसकी वजह से। और ये SVP 2 लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेंजर का, अगर कोई लेके आए 800 रुपये का ये मिल जाएगा आपको। तो देख लिया आपने इस पेडल के बारे में, 800 रुपये का ये पेडल है और जयपुर में मिल जाएगा। जयपुर में एड्रेस बता देता हूँ मैं, जो चांदपोल के पास में भिंडो का रास्ता जो करके जाता है, एक मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, भिंडो का रास्ता, वहाँ पे बहुत सारी म्यूजिशियन, जो म्यूजिक से रिलेटेड जो सामान होता है अपना, वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है अपने को, तो वहाँ से आप ले लेना। श्री कल्याण शॉप करके एक शॉप है, श्री कल्याण म्यूजिकल के नाम से, वहाँ से मैंने इसको लिया था 800 रुपये का। अब चलिए मैं आपको स्टैंड दिखा देता हूँ, स्टैंड की हम लोग बात करते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जब भी आप इसको लेके आएँ पेडल को, तो इसको चेक करके लेके आएँ। चेक करने का मतलब आप वहीं एक ये इसमें केबल डालिए और यहाँ पे देखिए लाइट जलेगा, ये बिना किसी कीबोर्ड में कनेक्ट करे ही जलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम, छोटा सा लाइट आपको दिख नहीं हो रहा होगा, मैं इसका फ्लैश बंद करता हूँ तो आपको दिखेगा। देखिए वो जो अंदर जल रहा है वो इसी चीज़ का है। अब देखिए मैं आउटपुट निकाल देता हूँ इसका, वो बंद हो गया, ठीक है। आउटपुट फिर से मैं लगा देता हूँ, देखिए आउटपुट लगाते ही ये जल गया, इसका मतलब ये ऑन है। आप ये चीज़ ज़रूर चेक करके लेके आइए। चलिए स्टैंड दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टैंड है कीबोर्ड का और ये एडजस्टेबल स्टैंड होता है ये। यहाँ से आप अगर इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ जो, तो ये जो आपको होल दिख रहे हैं इन इनमें एडजस्ट करेंगे तो ये बड़ा नीचा हो जाता है, बड़ा या छोटा हो जाता है। और एक चीज़ और है, ये यहाँ से भी एडजस्ट होता है ये वाला स्टैंड, यानी इसको आप ढीला करेंगे तो आप इसको अंदर की साइड डाल सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ, ये अंदर की साइड चला जाता है पूरा और यहाँ से बाहर भी निकलता है। इससे अपने को एक बेनिफिट होता है कि जितना अपने कीबोर्ड को हाइट देना होता है उतना हाइट हम लोग दे सकते हैं। और देखिए ऐसा स्टैंड है, ये 1300 रुपये का है। बहुत तरीके के स्टैंड है लेकिन मेरे को ये वाला सबसे अच्छा लगा। ये यहाँ से भी एडजस्ट होता है और वहाँ से भी एडजस्ट होता है, दोनों दोनों तरफ से एडजस्ट होता है। यहाँ से चलिए मैं आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए आप इसको ऐसा ऐसा करेंगे तो ये नीचे चला जाता है और मैक्सिमम जो है ये इतना नीचा हो सकता है, और जो इतना नीचा है ये बैठने के लिए सफिशियंट नहीं है क्योंकि इस पे हाथ बहुत ऊंचा चला जाता है। तो नीचा करने के लिए या तो आपको यहाँ कुछ बीच में ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा, उसकी वजह से आप नीचा बैठ पाएंगे। अदरवाइज़ आपको नीचे के लिए चाहिए तो ये स्टैंड आपके लिए नहीं है, अब दूसरा ट्राई कर सकते हैं। हाइट के लिए स्टैंड सही है, ये ऊंचाई तक पूरा ऊंचा खड़ा हो जाता है। उसके बाद में दिखाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देख लीजिए दोस्तों इतना बड़ा स्टैंड है, ये काफ़ी बड़ा है। ये लगभग कितना फिट तक हो सकता है, यानी आराम से आप इसको खोल के पूरा पूरा कीबोर्ड आराम से खड़े होके भी प्ले कर सकते हैं। तो ये खड़ा होने में और बैठने में हर तरीके से मेरे को एकदम बेस्ट लगा ये। तो ये डॉल्फिन कंपनी का है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोगो भी होगा इसका। ये रहा डॉल्फिन कंपनी का, आपको इस साइड से दिखेगा, ये डॉल्फिन कंपनी का लोगो है इस पे। और ये स्टैंड 1300 रुपये मांगा था उन्होंने, मेरे को 1100 में दे दिया था। तो चलिए दोस्तों अंदर लाइट भी चली गई है, और ये दो दो चीज़ें मैं लेके आया था, मैंने आपको उनका रिव्यू दे दिया अच्छी तरीके से। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, स्टैंड लेके आएँ या चाहे पैडल लेके आएँ, दोनों चेक करके लेके आएँ अच्छे से, क्योंकि बहुत बार इनमें दिक्कत आती है, वो टेस्टेड नहीं होते। तो पैडल को आप आउटपुट लगा के चेक कर लीजिए और स्टैंड को भी अच्छे से एकदम लगा के देख के लेके आइए। स्टेंजर कंपनी का पैडल सबसे बेस्ट होता है, मोस्टली लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। 800 रुपये से ज़्यादा मत देना। स्टैंड का 1300-1400 कुछ ऐसे मांगते हैं, लेकिन वो भी 1000-1100 में आपको दे देंगे। तो चलिए यही दोनों चीज़ें थी जो मैं आपके लिए लेके आया था, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि टाइम नहीं होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चैनल छोड़ दिया है या वीडियो बनाना छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, थोड़ी समय की कमी है, बहुत सारे जानकारियाँ हैं देने के लिए, लेकिन बस थोड़ा सा समय की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे बने रहिए, लगातार सब्सक्राइब कीजिए, उससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशनल मिलता है। हाल फिलहाल मैं यही चीज़ देख रहा था कि मैं वीडियो नहीं डालने के बावजूद भी आप लोग चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर रहे थे और अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं। बस थोड़ा सपोर्ट और चाहिए आप लोगों का, जिसकी वजह से मैं और बेटर कर पाऊँ। और अन्य किसी चीज़ की जानकारी के लिए या और भी कोई आपको एडवाइस चाहिए या कोई जानकारी चाहिए, तो बहुत सारी वीडियो में मैंने नंबर भी दिया हुआ है और आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। लगभग सभी कमेंटों का मैं जवाब भी देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 99% मैं जवाब देता हूँ, फिर भी अगर 1% रह जाता है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।